तस्वीरों में आपको ये बाबा नजर आ जाएगा, इनकी झोली इतनी भारी लग रही है, जबकि कमालपुर गांव जो है, कमालपुर रोड़ान गांव है, उन लोगों का कहना है कि ऐसे ही भीख मांग रहा था, आटा चावल कुछ नहीं ले रहा था, तो इसकी झोली इतनी भारी कैसे हो जाती है। कहा जा रहा है 4 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, जस जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर ये फरार हो गए। जी हाँ, इस पर आरोप है कि इसने बच्चे को उठा लिया है। पूरा गांव इसी पर जो है, इस बाबा पर संदेह जताता नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि इंद्री हलके के कमालपुर रोड़ान गांव में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद जो बाबा के भेष में बच्चा उठाने वाले लोगों का गैंग सक्रिय होता नजर आ रहा है। ये बाबा फुटेज सामने आई है, लोगों ने भी इस पर संदेह जताया है कि इस बाबा ने ही जो है उस मासूम बच्चे को उठाया है। गाँव बोएं लगातार जो है भीड़ लगी हुई है, सारे ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि किस तरह से मासूम बच्चे को ये बाबा उठाकर ले गया। सुबह जो है 11 बजे के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं जो जस के दादाजी हैं, उनका कहना है कि सुबह वो उनके साथ पहले बाहर जाता है, उसके बाद जब घर लौटता है तो उसके बाद जो है वो चीज लेने दुकान पर जाता है, और काफ़ी 1 घंटे बाद तक जो है नहीं आता। जब 1 घंटे बाद तक नहीं आता, उसको ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वो गायब हो गया। आप मौके पर देख सकते हैं ये जो है हिमाद्री कौशिक खुद पहुंची हुई हैं यहाँ पर। इंद्री थाना के प्रभारी हैं सतपाल, वो भी मौके पर हैं, और सभी पुलिस और सभी ग्रामीण उस मासूम बच्चे को ढूंढने में लगे हैं। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो देख सकते हैं रो रो कर जो है परिवार का बुरा हाल है बताया जा रहा है। जिसके पिता अमेरिका में रहते हैं और यहाँ बच्चा अपने दादा और मम्मी और के जो है साथ यहाँ पर रहता था। मौके पर देख सकते हैं गांव में क्या कुछ माहौल है। जब से वो बच्चा गुम हुआ है सुबह 11 बजे, तब से पूरे जो है गाँव में सनसनी फैली हुई है। जी हाँ, पूरे गाँव में सनसनी फैली हुई है। हर कोई जो है उस मासूम बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। उस बाबा पर साफ तौर पर शक जताया जा रहा है, क्योंकि उसकी झोली जो है पहले इतनी भरी नहीं होती है। जब फुटेज खंगाली जाती है तो साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरह से उसकी झोली भारी लग रही है, इतनी ज़्यादा भारी लग रही है, और वो भागते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, साइकिल से जल्दी जल्दी भागते हुए नज़र आ रहा है। और किस तरह से ये मामला करनाल के इंद्री हलके के कमालपुर रोड़ान से सामने आता है, जहाँ हर जगह जो है सर्च अभियान भी मासूम, ये इस मासूम बच्चे की जो है तस्वीरें हैं जिसको ढूंढने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया गया है। अब तक भी जो है मासूम बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। जो एक बार यहाँ पर लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके दादाजी हैं जिसके, उससे उनसे भी जो है बातचीत करेंगे, और पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुनेंगे कि आखिर इतना बड़ा मामला कैसे हो जाता है, और पूरे गांव से दिन दहाड़े बच्चे को एक बाबा कैसे उठा लेता है। आपसे अपील करूंगी कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपनी जो है आँखों के सामने रखें, क्योंकि आजकल जो है मानव तस्करी या बच्चों को जो बेचने वाले गैंग है वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो एक बार बातचीत करते हैं। पिताजी का नाम क्या है? लड़के का नाम राम था। ऐसे खेलने चले जाते तो नहीं, किसी पक्षी को हुआ, सो गया हुआ, नेटून ने सारा काम जी उठ गया जी, नहीं पाया फिर जाग बोलो जा, फिर खेलने जा रहा हूं मैं, तो संग लीजिए काम क्यों किसी अब लेम लाग। अच्छा ठीक है, नहीं जोले में बैल था जावा था ये या बैल काम हमारा कोई। सुबह बच्चा खेल रहा था अपने बैठक के सामने ट्रेनी के ऊपर, 10:30 बजे के करीब, 10:30-11 बजे के करीब सड़क के ऊपर बच्चा खेल रहा था, और खेलते खेलते वहाँ 2 बाबे मंगन वाले आ रहे थे, एक भारी सा था एक मतलब मीडियम सा था। बच्चे वहाँ खेलते खेलते मतलब वहाँ थे 11:15 बजे तक, मतलब वो बाबे वहाँ लगते रहे, उसके बाद में उन बाबे का पता लगे, उन बच्चे का पता लगे, या इधर उधर मतलब टोए देखा, इधर उधर देखा, मतलब उसमें कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को शक हो गया उनके? लोगों को नहीं, लोगों मतलब पहले अपने पड़ोसमा पड़ोसमा भाई कोई ना कोई कहीं बच्चा किसी घर मतलब खेलता हो या सो गए हो आप, तो उसमें खेलते फिर गए, फिर मतलब जैसे आप तू एक दो मिले भाई आया बाबे फिरा थे, 2 बाबे फिरा थे, और वो देखे भी हैं
बाबा वहां किसी से कोई और तो उसने मांग रहे था कोई दे भी रहा होगा देने के बाद उसने कहा मन तो ले लिया जो कुछ लेना था अपना माथे में निकल का भाग्य भाग तो है फिर ये मतलब यहाँ सी सी टी वी कैमरे में रहे वही बाबा पीछे उसने ले रखा उन्होंने और यहाँ तो भाग दो नजर आया कैमरे को दस साढ़े दस बजे खेल रहे था यहाँ से बाहर गए दुकान पे पैसे लेकर पहले वापिस ही नहीं आया तो इससे पहले भी गए हो जाता था ऐसा कभी बाहर घर से बाहर रहा हो इतनी देर तक तो कभी नहीं रहे पाँच दस मिनट में आ जाया कर तो पैसे आपने बोला था वापिस कितने बजे 20 मिनट हो गए थे घर नहीं आया आपने फिर उसके बाद फोन जी फिर मिल जाएगी तब तक पुलिस को कब इन्फॉर्म किया गया अच्छा तो मतलब कि उसके बाद आए नहीं वो तो आप लोगों को कैसे शक हुआ कि ये गांव में बाबे फिर रहे या कुछ वैसे ढूंढने के लिए काफी देर हो गई खाना खुना खड़ा देंगे तो आसपास ढूंढे पाए नहीं फिर सारे को ढूंढे फिर तो अभी बता रहे हैं कि वो बाबा कोई जोड़ी में उठा के लेके गए बच्चे को गाँव के बाहर कैमरे लग रहे उसके मैं देखा कैमरे के अंदर आया किसी ने क्या नाम है अपना मनीषा हमें पुलिस को सूचना मिली थी अभी गांव कमालपुर में कोई 3-4-5 साल का बच्चा है कहीं घूम रहा है और इसी गांव में थोड़ी देर पहले कुछ बाबा लोग घूम रहे थे मांगने वाले जो थे उन बाबों पर शक किया गया है अभी गांव के जितने कैमरे हैं सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं तो पुलिस को कैसे अब पुलिस को हमारे को सूचना मिली थी बदलिया फोन BSSC पाँच साल का बच्चा था और वो गुम हो गया 2-3 घंटे से जिसको तलाश कर रहे थे गांव वाले तो बाद में कोई किसी गांव में मांगने वाले जो बाबा होते हैं वो देखे हों किसी ने तो उस उन्होंने भी शक जाहिर किया उन्होंने भी शायद बाबे ना ले गए हों इसलिए हम गांव के जितने कैमरे हैं उनके पूरे चेक कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है